हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि वीडियोस लगातार आ रही हैं, होमवर्क भी मेरे पास बच्चे करके दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। डे थ्री की जो मीनिंग थी उसमें हुआ क्या था कि आइडल के बाद वीडियो रुक गई थी, ठीक है, और बच्चों ने इस पर कंप्लेन किया कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन मीनिंग को न छोड़ते हुए मैं डे थ्री की पार्ट टू वीडियो लेके आया हूँ, यानी कि जो मीनिंग छूट गई थी उसको आज हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, जिससे मीनिंग एक भी छूटे नहीं हमारी। तो आइए देखते हैं। जेलस, पहली मीनिंग है जेलस, J-E-A-L-O-U-S, जेलस का मतलब होता है इनवियस। इनवियस बेटा बना है एनवी से, किससे बना है? एनवी। एनवी का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, ठीक है, किसी से निगेटिव प्रतिस्पर्धा करना। कोई आपके कॉम्पिटिटर में है और आप उससे अब जलन रख रहे हो, यदि आपसे वो बढ़ रहा है तो ये गलत है, ठीक है। तो J-E-A-L-O-U-S जेलस का मतलब होता है इनवियस, यानी कि ईर्ष्या करना। उसके बाद आता है Z-E-A-L-O-U-S, इसका मतलब है जीलस, ठीक ना। ये देखिए जील से बना है, Z-E-A-L, याद रखिए Z-E-A-L का मतलब होता है जील, और ये जील का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक, ठीक है, बहुत उत्साह भरा हुआ होना किसी के अंदर, काम को करने के लिए बहुत रोमांचित होना पहले से, तो इसको बोलते हैं जील। इसी जील से बना है जीलस, ठीक है ना। तो ये जेलस है, ये जीलस है। जीलस इसका मतलब इंथुजियास्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साह पूर्ण, ठीक है। इसके बाद अगली मीनिंग है लेसन, LESSON, LESSON, लेसन। लेसन का मतलब होता है चैप्टर, पार्ट जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये LESSON होता है। दूसरी है LESSEN, इसको बोलते हैं लेसन, 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 लेसन। लेसन का मतलब होता है मेक लिस्ट, मेक लिस्ट, मेक लेस, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को कम कर देना, ठीक ना, इसको बोलते हैं लेसन, ठीक है। शॉर्टन, इसके जो है क्या होती है, सिनोनिम्स होते हैं, शॉर्टन, किसी चीज को कम कर देना, ठीक। अब उसके बाद है लोन, LONE, लोन का मतलब होता है सोलेटरी, सोलेटरी मतलब अकेले, ठीक है, इसी से वर्ड बना है लोनली, ठीक है, लोन से। लोन मतलब क्या होता है? अकेला। आई वॉज लोन स्टडे, मैं कल क्या था? अकेला था, ठीक, तो लोन हो गया, लोन मतलब सोलेटरी। इसके बाद है LOAN, इसको मतलब ऋण, उधार जो आप लेते हो किसी से, ये लोन है, जो बैंक आपको देता है वो है LOAN, और जब आप अकेले रहते हो कभी तो LONE। क्लियर हुई मेरी बात? इसके बाद अगली मीनिंग है मेल, MAIL, ये मेल जो आप ई मेल है तो देखिएगा, ई इंटरनेट मेल, MAIL, मेल का मतलब ही होता है पत्रों से। पिछले समय में पहले, बहुत पहले क्या होता था, जब एक जगह से दूसरे जगह पर पत्र आते थे तो जो डाकिया लेके जाता था तो ढेर सारे पत्रों को एक बैग में लेके जाता था, ठीक है ना, तो उस बैग को ही बोला जाता था मेल, MAIL। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसके बाद है MALE, मेल, आप जानते हो फीमेल का अपोजिट, ठीक है ना, यानी कि स्त्रीलिंग का अपोजिट, पुल्लिंग, तो ये MALE। अगली मीनिंग है MAIN, मेन, मेन का मतलब चीफ होता, हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो मेन का मतलब चीफ, मुख्य, आपके घर का मुख्य मेंबर, मुख्य सदस्य कौन है, तो MAIN मतलब क्या होता है? चीफ, ठीक है बेटा। और अगला है MANE, मेन, MANE, मेन, ये हेयर होता है, बाल, ठीक ना, जो एनिमल्स के नेक के पास, एनिमल के नेक के पास जो गर्दन के पास बाल होते हैं उनको भी हम बोलते हैं MANE, मेन। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो MAIN मतलब चीफ यानी मुख्य, और दूसरा MANE मेन मतलब लॉन्ग हेयर, ठीक है ना, कहां पर? ऑन एन एनिमल्स नेक। क्लियर हुई? तो ये था आपके डे थ्री की बची हुई मीनिंग, ठीक है, तो इसको आप भी पढ़ लीजिएगा डे थ्री में जोड़ करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।